हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद चक नरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम द वेस्टलैंड बाय टीएस एलियट इसके फर्स्ट पार्ट द बुरियल ऑफ द डेड के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्टार्टिंग में इसने लिखा है फॉर इजरा पाउंड इल मिग्लोर फैबर फैब्रुक। ये जो वर्ड है ये इसने डेडिकेट किया अपने इसको इजरा पाउंड को और उन्हें बेस्ट गाइड बताया है। द बुरियल ऑफ द डेड की स्टार्टिंग करता है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अब ये कहता है कि वेस्टलैंड में जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए अप्रैल सबसे ज्यादा क्रूलेस्ट मंथ होता है, क्योंकि इस टाइम में ब्रीडिंग लिलियाक्स आउट ऑफ डेडलैंड की। उस टाइम में क्या है कि जो लाइलक जो है वो उगती है मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, और उन्हें याद आता है कि पहले हम लोग भगवान के लिए पिलग्रिमेज पे जाया करते थे और अब नहीं जाते हैं। स्टीरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, और अब उनमें क्या है कि जो स्प्रिंग की बारिश होती है उससे जो ये जीवन में जो डल रूट्स जो सुस्त पड़ी जड़ें होती हैं वो जाग जाती हैं। और ये कहती हैं कि विंटर ये जो जागना होता है इस जागने से उनको याद आता है कि कभी हम पिलग्रिमेज पे जाया करते थे, अब हम नहीं जा पाते हैं। विंटर केप्ट अस वार्म, विंटर हमें वार्म रखती है। फीडिंग कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, जो कि अर्थ को क्या है कि अर्थ को क्या है पूरी तरह से या भुला देने वाली बर्फ में दबाकर रखती है। फीडिंग ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, और इसने क्या किया कि इसने जो छोटे छोटे जानवरों को इसने क्या किया वो जो सूखी हुई ट्यूबर्स मतलब सूखी हुई जो जड़े थी उनको उन्होंने खाना खिलाया। समर सरप्राइज अस, अब कहते हैं समर ने हमें सरप्राइज कर दिया। कमिंग ओवर द स्ट्रैंड बर्गीज जो एक झील का नाम है, जिस झील के ऊपर जब समर जब आई उसने हमें हैरान कर दिया गर्मी ने। विद ए शावर ऑफ रेन, वहां पे बारिश आई। वी स्टॉप्ड इन कॉलोनेट मतलब एक ट्री की लाइन, पेड़ों हम कहते हैं हम पेड़ों की लाइन के नीचे रुक गए। एंड वेंट आउट इन सनलाइट, और हम सनलाइट में बाहर आए। इनटू द होफ गार्डन, होफ गार्डन एक बगीचा है कहता मतलब बागीचे में हम पहुंच गए, सनलाइट में बागीचे में पहुंच गए। एंड ड्रैंक कॉफी एंड टॉक फॉर एन आवर, और एक घंटा हमने कॉफी पीकर आपस में बात की। यहाँ पे हम ये मानेंगे टायरेशियस जो है ये इससे पूछता है कि इस लाइन का मतलब है कि क्या आप रशियन हो, और वो कहती है कि नहीं मैं रशियन नहीं हूँ बल्कि मैं एक मेरे मम्मी पापा लुथियानिया से आए थे पर मैं एक जर्मन हूँ। एंड वेन वी वर चिल्ड्रन, और जब हम बच्चे थे स्टेइंग एट द आर्च ड्यूक, और अपने जो उनका जो कजन है आर्च ड्यूक उसके पास रहते थे। माई कजन ही टुक मी आउट ऑन ए स्लेज, वो मुझे स्लेज पर ले गया। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गई। ही सेड मैरी, इस लेडीज का नाम है मैरी ही, और उसने बोला मैरी होल्ड ऑन टाइट, मुझे जोर से पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, और हम इस तरह से बर्फ के ढलान से नीचे गए। इन द माउंटेन देयर यू फील फ्री, पर माउंटेन्स में क्या होता है कि हम सब प्रकार के नियमों से फ्री रहते हैं। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर, मैं रात को बहुत पढ़ती थी और मैं साउथ में छुट्टियां मनाने जाती थी। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टैंजा स्टार्ट होता है, व्हाट आर द रूट दैट क्लच दैट branch grow out of this stony rubbish। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये कहता है कि सर कि ये कौन सी रूट्स हैं, टायरेशियस पूछता है कि ये कौन सी रूट्स हैं दैट ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। ये जो कौन सी जड़े हैं जो हमारा जो ये मटेरियलिस्टिक संसार है इसको जोड़ सकते। The branch, what branches grow out of this stony rubbish? ये जो हमारा माइंड है, जो ये पथरीला माइंड है, उसके अंदर से बताओ कौन सी ब्रांचेस उग सकती है, कौन सी कल्चर हमारे माइंड से उग सकती है। Son of man,
ये हमें ये जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है उसे सन ऑफ मैन कहता है, यू कांट से और गैस आप कह नहीं सकते और गैस नहीं कर सकते हैं, फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि आपने क्या है कि आपने तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ ब्रोकन इमेजेस को देखा, आपने यीशु आत्मा ईश्वर इनकी सिर्फ ब्रोकन इमेजेस को देखा है, वेयर द सन बीट्स एंड दैट ट्री गिव्स नो शेल्टर। कहता है कि ये जो हमारा वो संसार है जहाँ पर सन बीट्स करता है, जो मटेरियलिस्टिक संसार है उसका जो सन बीट करता है, एंड ड्राई डेड ट्री ग्रीव्स नो शेल्टर, और जो जो भौतिकतावाद का जो हमारे पास ट्री है वो हमें कोई शरण नहीं देता है, भौतिकतावाद का ट्री हमारे पास कोई शरण नहीं देता है, द क्रिकेट नो रिलीफ, और कहता है कि कोई भी प्रकृति क्रिकेट मतलब नेचर भी हमें कोई रिलीफ नहीं देती है, एंड ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और कहता है कि जो यहाँ पे क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्टोन है, कोई भी जो हमारे कोई वाटर की साउंड नहीं है, वाटर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, कहता है कि हमारे यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं है जिसके कारण हमारे कोई रिलीफ मिले, ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, रेड रॉक मतलब चर्च जो कि ईसा मसीह के ब्लड से लाल हो गया था, कहता है कि सर सिर्फ इसी, वो कहता है कि एकमात्र जगह कौन सा है, वो क्रिश्चियनिटी है जो कि ईसा मसीह के ब्लड से रेड होती है, कम इन द अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, कहता है कि आप यहाँ आ जाओ और ये जो शैडो है दिस शैडो इज डिफरेंट, एंड आई ये जो शेडो है जो आप क्रिश्चियनिटी की शेडो में आते हो, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शेडो एट मॉर्निंग शाइनिंग बिहाइंड यू और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। कहता है कि जो आपकी शेडो है, आपकी कौन सी शेडो है, वह मटेरियलिस्टिक शेडो है, कहता है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मटेरियलिस्टिक शेडो है ये आपकी शेडो से डिफरेंट है, कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक शैडो है वो सुबह हमारे आगे हमारे पीछे होती है और इवनिंग में वो हमारे से आगे होती है, क्योंकि आई विल शो यू फियर इन हैंड फुल ऑफ डस्ट, कहता है कि मैं आप जब क्रिश्चियनिटी की शैडो में आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको टेंशन क्यों होती है, आपको जो वो आपको वो क्या रीजन है जिसके कारण आप डरते हैं। और इसके बाद में टायरेशियस एक ये जर्मन सॉन्ग है, ये जर्मन सॉन्ग वो सुनता है जिसका मीनिंग ये है कि जिसका मीनिंग ये है कि जो फ्रेश एयर है वो हमारी मदरलैंड पे बहती है और वो होमलैंड पे बहती है, और आयरिश गर्ल वाई आर यू लिंगर, क्योंकि आप लेट क्यों कर रहे हो। अब इसके बाद में बताता है कि एक लवर बिलवेड है जो आपस में बात करते हैं, यू गिव मी हासिंथ फर्स्ट ए ईयर अगो दे कॉल्ड मी हासिंथ गर्ल, वो कहता है कि एक साल तुमने मुझे पहले एक हासिंथ एक प्रकार के फूल दिए थे और उसने उन फूलों की ड्रेस पहनी थी, तब से वो लोग मुझे क्या कहने लगे, हासिंथ गर्ल कहने लगे, येट व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द हासिंथ गार्डन योर आर्म फुल योर एंड योर हेयर वेट, जब आप आए तो उसकी जो मेरी जो बाजू थी उनमें हासिंद के फूल थे और मेरे जो हेयर थे वो शाम की ओस के कारण गीले हो गए, आई कुड नॉट स्पीक इट एंड माई आईज फेल्ड, और मैं बोल नहीं सका और मेरी आंखों में आंसू आ गए, आई वॉज नाइदर लिविंग और डेड, ना तो मैं जिंदा था ना मैं मरा हुआ था, एंड आई न्यू नथिंग लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ द लाइट द साइलेंस, और मैंने जब आपके चेहरा देखा तो मुझे पता चल गया कि आप जो है हासिंथ का हासिंथ फ्लावर्स के मेरे गिफ्ट से खुश नहीं हो। इसके बाद में स्टार्ट करता है कि मैडम सोसोस्ट्रिस, अब टायरेशियस को कोई एक एजेंट रोकता है जो उसे बताता है कि एक मैडम सोसोस्ट्रिस हैं जो कि एक फेमस क्लैरिवेंटोन एक फेमस नकली ही भविष्य बताने वाली सूत्सायर हैं, एड ए बैड कोल्ड नेवरदिलेस उनको थोड़ा जुकाम है और नेवरदिलेस इज अ नोन टू बी वाइजेस्ट वीमन इन यूरोप, वो यूरोप की सबसे वाइजेस्ट वीमन है, विद ए बिग पैक ऑफ कार्ड जिनके पास एक बड़ी पुरानी सी गड्डी है, हियर सेड शी इज योर कार्ड द ड्राउंड फिनिशियन सेलर, और वो बताती है कि एक उसके जो ताश में से वो लेडीज को कहती है कि
ये जो आपका एक निकला है टैरो टैरो कार्ड रीडर है, रेडी बताती है कि आपके बाग में फिनिशियन सेलर